भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंधमारी की है दूसरे दलों में, ये देखिए आप, ये उसका परिणाम। अध्यक्ष नेकी की दीवार एक जो अभियान विशेष चला है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संजीवनी इंडियन रोटी डॉक्टर प्रियंका मौर्य का हम सभी अभिनंदन करते हैं। माननीय वाजपेयी प्रियंका मौर्य कांग्रेस की पोस्टर गर्ल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। ये कांग्रेस के पोस्टर्स पर थी, नाराज बताई जा रही थी, खफा बताई जा रही थी, अब देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है, 1984 कलाकार है और 20 से अधिक देशों में जो अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं, ऐसी श्रीमती वंदना मिश्रा को मैं लोक गायिका वंदना मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। ये रवि जी हैं और आपको संबोधित करेंगे। एक और तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर दिल्ली की है, वो भी हमें सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के 60 प्रत्याशियों और गोवा के प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है। इधर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जो दूसरे दलों से जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनका सिलसिला जारी है। लक्ष्मीकांत जी, संजय जी, वाजपेयी जो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्हें ज्वाइन करा रहे हैं। तो एक तरफ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं लखनऊ में, दूसरी ओर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाना है गोवा के प्रत्याशियों के बारे में बीजेपी के, और उत्तराखंड के 60 प्रत्याशियों के बारे में जो सूचना हमें मिल रही है, थोड़ी ही देर में यह लिस्ट आ जाएगी। दोनों ही तस्वीरें सीधी हैं, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से और लखनऊ बीजेपी हेडक्वार्टर से, दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं। एक ओर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है गोवा और उत्तराखंड के, दूसरी ओर जो तमाम दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो दोनों ही तस्वीरें ये सीधी तस्वीरें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष वो ज्वाइन करवा रहे हैं, महिला यहाँ पर नेत्रियों को भी आप देख सकते हैं, और भी दूसरे दलों से आए नेता जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ का राजनीतिक करियर भी यहीं से शुरू हो रहा है। नौकरशाह और कलाकार हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन की बाईं ओर, उसमें देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें सीधी और दोनों ही महत्वपूर्ण तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। नेताओं के लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है और थोड़ी ही देर में उत्तराखंड के 60 प्रत्याशियों की लिस्ट सार्वजनिक कर देगी बीजेपी। 10 प्रत्याशियों की घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन 60 प्रत्याशियों की घोषणा की जानी है बीजेपी की ओर से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश अभी बता रहे थे। तो दिल्ली भाजपा दफ्तर से और लखनऊ भाजपा दफ्तर से तस्वीरें हमें सीधी मिल रही हैं आपकी स्क्रीन पर, हमने दोनों ही तस्वीरें रखी हुई हैं और दोनों ही तस्वीरें महत्वपूर्ण। नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, निश्चित रूप से लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है, वही ज्वाइन भी करवा रहे हैं और वो बहुत संभव है कि प्रेस को बताएं भी इन सब के बारे में अभी विस्तार से कि कौन किस दल से ताल्लुक रखता है या किस क्षेत्र से ताल्लुक रखता है और क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ये अभी वो घोषित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले औपचारिक स्वागत हो रहा है इन सभी का भारतीय जनता पार्टी। दोनों ही तस्वीरें सीधी दिल्ली से और लखनऊ से, देवेंद्र फडणवीस का संबोधन दूसरी ओर जारी है प्रेस को। उत्तराखंड की लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है। उत्तराखंड के 60-70 कुल विधानसभा सीटें हैं और उसमें बताया जा रहा है कि 60 प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी कुछ ही देर में अभी जारी कर देगी, उसको घोषित कर देगी। इधर देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सबकी ज्वाइनिंग के बाद देखिए प्रेस को संबोधन शुरू किया है।
भाजपा की भारतीय जनता पार्टी के आज की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाम समाजवादी पार्टी के परिवार का व्यक्तिगत सदस्य औरैया के निवासी पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहाँ पर करना चाहता हूँ, वैसे तो संभवतः आप सबको जानकारी है लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधि उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्रवधु अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं और आज उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साढ़ू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से भेदित है। एक बहन कहूं या बेटी, प्रियंका मौर्य 2012 में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ किया और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान बहन प्रियंका वाड्रा जी ने शुरू किया है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही है। अब वह अपनी शक्ति का उपयोग, अपनी क्षमता का उपयोग 2022 के भाजपा के चुनाव अभियान को बल देने में और गति देने में करेंगी। दो तीन बातें इनके बारे में मैं और बताना चाहता हूं। फेसबुक में 3.5 लाख फॉलोअर, ट्विटर पर 7,000 फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 50,500 फॉलोअर, लिंक्डइन पर 25,000 फॉलोअर के साथ प्रतिष्ठित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा व मानक के साथ एनजीओ का संचालन करने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य आज भाजपा परिवार की सदस्य बन गई। आदरणीय श्री किशन सिंह जी अटोरिया, जिन्होंने आईएएस 1984 बैच के आईएएस और एसडीएम से अपर मुख्य सचिव तक कार्य किया और अंतिम तौर पर प्रशासनिक सेवा प्राधिकरण से लोक सेवा अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति ली और उत्कृष्ट मानक के अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा